अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है और ट्रेडिंग में ही कैरियर बनाना है तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ट्रेडिंग में मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडिंग में मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब ये होता है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना आसान बात नहीं होता है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल पाने में आप कैसे जिम्मेदार हैं और कैसे जिम्मेदार नहीं हैं। अगर ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल बनना है तो ब्लेमलेस और सीखने का इच्छा ये आपका प्राइमरी टूल्स है। अगर आपको सीखने की इच्छा है और अपने आप पर बिलीव है तो आपको ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग में सफल बनना है तो अपने आप पर बिलीव रखना होगा और आपका एटीट्यूड ही आपका सफल ट्रेडर बना सकता है। और आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना होगा, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर यूनिक तरह के सोचते हैं और ये सबसे अलग होता है और उसका रास्ता भी अलग होता है, तो उसी तरह के आपको भी सोचना होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर अपना डर को बिल्कुल ही अपना लाइफ से मिटा देते हैं। उसको पहले से ही पता रहता है कि मुझे इतना लॉस होगा, इतना प्रॉफिट होगा, और वो लॉस भी होता है तो उसको वो रिएक्ट नहीं करता है। जो बिगनर होता है वो लॉस हो जाता है तो उसको रिएक्ट करता है और उसमें डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं, इस पर रिएक्ट नहीं करता है। वो इस ट्रेडिंग को भूल के फिर से अगेन दूसरा ट्रेडिंग के तैयारी में लग जाता है, जिसके वजह से वो फिर से जो भी लॉस होता है उसको रिकवर तुरंत कर लेता है। सक्सेसफुल ट्रेडर अपना डर को बिल्कुल ही अपना लाइफ से ख़त्म कर देता है। उसको पहले ही पता रहता है कि मुझे कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कहाँ मुझे एंट्री लेना है, कहाँ मुझे एग्जिट लेना है, पहले इसको पता रहता है, जिसकी वजह से उसका डर ख़त्म हो जाता है और उसको अपने आप पर बिलीव रहता है, अपने अपना सेटअप पर बिलीव रहता है, जिसके वजह से उसको लॉस कम होता है और प्रॉफिट कई ज़्यादा होता है। अगर आपको लाइफ में बड़ा ट्रेडर बनना है तो सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना होगा, और सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे सोचते हैं उस तरीका से आपको भी सोचना होगा, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। नए ट्रेडर क्या करते हैं, अगर वो मार्केट में आता है तो उसको लगातार 4 या 5 बार प्रॉफिट हो जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ट्रेडर बन गया हूँ और मुझे लॉस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है, कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, क्योंकि जब जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएंगे, आपको लगता है कि मुझे आप लॉस हो ही नहीं सकता, मैं एक प्रो ट्रेडर बन गया, तो मेरे भाई उसी दिन आप लूजर बन जाओगे, उसी दिन आप बर्बाद हो जाओगे, धीरे धीरे आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो गया तो आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मुझे आप प्रॉफिट हो रहा है, मुझे आप लॉस नहीं हो सकता है। अगर जिस दिन आपको अपने आप पे घमंड हो जाएगा, मेरे भाई आप बर्बाद हो जाओगे, सच में बोल रहा हूँ, तो अपने आप पे कभी घमंड मत करना। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर भी आप वैसे नॉर्मल रहो, लॉस भी होता है तो आपको नॉर्मल ही रहना है। प्रॉफिट में भी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है और लॉस में भी आपको ज़्यादा दुखी नहीं रहना है, दोनों में आपको मीडियम रहना है। उस तरफ प्रो ट्रेडर वैसे ही सोचते हैं, प्रो ट्रेडर ये नहीं सोचते उसको प्रॉफिट हो गया, 10 लाख प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अपने आप को घमंड नहीं करता है कि मैं आप प्रो ट्रेडर हो गया, हमको लॉस नहीं हो सकता है। नहीं, उसको जानता है ये मार्केट है, इसमें लॉस प्रॉफिट एक आम बात है, ये हमेशा लाइफ में रहेगा ही, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन वो जानता है कि मुझे लॉस थोड़ा करना है, प्रॉफिट कहीं ज़्यादा करना है, और उसको कभी भी वो अपने आप पे घमंड नहीं करते कि मुझे आप प्रो ट्रेडर में बन गया हो तो मुझे लॉस नहीं हो सकता। उसको भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, उसको भी लॉस होता है, लेकिन वो लॉस कम करते हैं, प्रॉफिट कई ज़्यादा करते हैं, और अपने आप पे कभी भी वो घमंड नहीं करते। वो आपको भी ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको लगातार मान लीजिए प्रॉफिट हो गया है, होता है, अगर जानकारी आपको अच्छे से हो गया है मार्केट के बारे में, तो अपने आप को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, घमंड नहीं करना है, सिंपल रहिए, मीडियम में रहिए, लॉस भी होगा तब पर भी आप सिंपल रहिए, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं, इस पर रिएक्ट ज़्यादा नहीं करिए। लॉस हो गया ठीक है, आपको फिर से उसको भूल के अगेन दूसरा ट्रेड में आप लग जाइए, और आपको कभी भी रिकवर के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको ट्रेडिंग माइंडसेट में आपको डेवलप करना है, उसे इम्प्रूव करना है, तो यही इसी प्रकार से आपको सोचना होगा। जैसे कि कुछ ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, आपका लॉस नहीं हो सकता है, आपका हमेशा प्रॉफिट ही होगा। दोस्तों ये आप कभी मत सोचना, ये मार्केट है, लॉस होगा ही, हमेशा होगा,
लेकिन लॉस को अपने हाथ में रखना है और प्रॉफिट को मार्केट पर छोड़ देना है। प्रॉफिट मार्केट अपने आप बहुत ही देगा, सोच भी नहीं सकते इतना प्रॉफिट देगा। बस अपने आप पर घमंड मत करना अगर आपको लगातार प्रॉफिट होता है तो। लेकिन ये नेचुरल है, अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो जाता है तो अपने आप को सब नेचुरल है, ये सोचता है कि यार मैं तो अब प्रो ट्रेडर बन गया, मुझे लॉस नहीं हो सकता। ये नेचुरल बात है, सब ऐसे सोचते हैं। लेकिन उसको अपने आप पर हावी मत होने देना। जिस दिन हावी हो जाएगा कि मैं आप मुझे आप लॉस नहीं हो सकता है, मैं प्रो ट्रेडर बन गया, तो मेरे भाई आप बर्बाद हो सकते हैं फिर से अगेन। तो इसलिए कभी भी अपने आप पे घमंड मत करना कि मैं प्रो ट्रेडर हो गया, मुझे लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लॉस नहीं हो सकता है। ये मार्केट है, इसमें हार और जीत होगा ही, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस आपको कम करना है, प्रॉफिट आपको ज़्यादा करना है। ट्रेडिंग में हारना और जीतना आम बात है, आपको पहले से पता रहेगा कि लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आपको ये डर नहीं रहेगा। अगर लॉस भी होगा तो आपको इतना डर नहीं रहेगा, प्रॉफिट भी होगा तो आपको इतना अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो जिससे पहले से आपको पता रहेगा कि लॉस भी हो सकता है डर भी हो सकता है, तो आप बिंदास ट्रेड कर सकते हैं, आप अच्छे एक प्रो ट्रेडर की तरह सोच भी सकते हैं। आप प्रो ट्रेडर ऐसे ही सोचते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में सफल बनना है तो आपको प्रो ट्रेडर की तरह सोचना होगा। प्रो ट्रेडर क्या करता है, अगर लॉस भी हो गया तो उस पर इतना रिएक्ट नहीं करता है, ये सोचता है कि ठीक है लॉस हो गया, ये पार्ट ऑफ गेम है, ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो अगेन वो दूसरा ट्रेड में लग जाते हैं और फिर से वो नॉर्मल ही रहता है। ये नहीं कि ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन नहीं लेते हैं, लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, हो गया, अगेन दूसरा ट्रेड में लग जाते हैं और उसमें भी अगर प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाए तो इसमें भी वो नॉर्मल ही रहते हैं। अपने आप पर वो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करते, अपने आप पर गवर्न नहीं करते हैं और नॉर्मल रहता है। उसको पता रहता है कि मुझे कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट होना है और कितना मुझे लॉस करना है, कितना मुझे प्रॉफिट करना है। उस जब भी आप लॉस और प्रॉफिट आपको पता रहे तो ऑलरेडी आपका डर ख़त्म हो गया हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप पर बिलीव रखो और आपका अपने आप का एटीट्यूड हमेशा डेवलप करो, क्योंकि आपका ट्रेडिंग में सफल होने के कारण मेन यही है कि अपने आप पर बिलीव रखो, अपने सेटअप पर बिलीव करो। ट्रेडिंग आपका जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम रोल है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा और वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक एंड कमेंट करें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट करें ज़रूर, और क्या इस वीडियो से आप क्या सीखे हैं ये भी कमेंट करें, जिससे मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा और मैं इससे भी बेटर वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।